आज 5 अक्टूबर 2024, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। जैसे पुराना शरीर हल्का हो रहा है, अपने आप शरीर से डिटैच हो रहे। बहुत काल का अभ्यास इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में, मैं आत्मा मेहमान और महान हूँ। ये पुरानी दुनिया कांटों का जंगल है, यहाँ सब माया के वश है, एक दूसरे को कांटे लगाते ही रहते हैं। और ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, तो अपने आप पुरानी दुनिया से बुद्धि हटते जा रही है। यहाँ कोई किसी को सुख दे नहीं सकता, सुख केवल एक शिव बाबा की याद में है। इसलिए मैं आत्मा शिव बाबा की याद में अपने आप बुद्धि को एकाग्र कर रही हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करने का तीव्र पुरुषार्थ कर रही हूँ। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आते जा रहा है। चलते चलते कोई भी कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है, तो शिव बाबा सर्वशक्तिवान को साथ में रखकर मैं अपने मन और बुद्धि को अचल अड़ोल बनाती हूँ। मेरा निश्चय पक्का है कि सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है और मेरी विजय निश्चित है। माया मुझे हराने के लिए नहीं, लेकिन हार पहनाने के लिए आती है, शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। अपने सभी जिम्मेवारियों का बोझ मैंने बाबा को दे दिया है। मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है, इसलिए मैं हमेशा हल्की रहती हूँ, डबल लाइट रहती हूँ। और बाबा मुझे देखकर बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख के बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, आपने कल्प कल्प एक बाप की याद से बेहद के वैराग्य स्थिति में स्थित होकर योग के पावरफुल अभ्यास से पापों का बोझा खत्म किया है। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर बाप के साथ कंबाइंड होकर उसमें विजय प्राप्त की है। आपने अपने सभी बोझ बाप को देखकर हमेशा डबल लाइट रहे हो, इसलिए आपकी विजय निश्चित है।
बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।